ओ भाई ये क्या है? अरे बाबा तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग। तो स्वागत है तुम लोग का गुरुजी के टिप्स एंड ट्रिक्स के एक नए एपिसोड में, जहाँ पे फिर से तुम्हारा भाई तुम लोग के लिए काफी सारे बग्स और ग्लिच और नए नए ट्रिक्स लेके आ चुका है, जिनको देखने पर तुम लोग पूरा शौक हो जाओगे कि अपने गेम में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने सबसे पहले नंबर वाले बग को करने के लिए तुम लोग को आ जाना यहाँ पे अपने केपटाउन के पास। ये वाला जो रहता है ना, जिसको बॉक्स जो होता है उसको ओपन करके कुछ लूटा जाता है, जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे आ जाना। और देन तुम्हारे पास एक लॉन्च पैड भी होना चाहिए। देन तुम लोग अपने लॉन्च पैड को यहाँ पे कुछ ऐसे लेना और अपने लॉन्च पैड को लगाना एक दो बार टैप करके। और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाता है तुम लोग को इसके ऊपर चढ़ना है, और ऊपर चढ़ते ही ना तुम लोग को सीधा उतर जाना है। और जैसे तुम लोग उतरोगे तुम लोग पूरा डब्बे के अंदर आ चुके हो। और जैसे ही तुम लोग डब्बे के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे तुम लोग को कोई नहीं दिख पाएगा और सोच भी नहीं सकता बंदा ना कि यहाँ पे भी कोई बंदा हो सकता है। और हाँ, एक और बात, तुम लोग यहाँ से इस डब्बे को खोलना मत। अगर तुम लोग डब्बा खोल दोगे तो तुम्हारा साथ ज्यादा दिखने लगेगा और ऐसे तुम लोग बंदा को भी मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को कोई नहीं दिख पाएगा और कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई बंदा यहाँ पे भी हो सकता है। और अगर तुम लोग डब्बा खोलोगे तो काफी सारी दिक्कतें हो जाएंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा साइज ना एक्सपोज हो जाएगा। यहाँ पे मेरी टोपी बस दिखाई दे रही है और मैं मतलब कोई भी बंदा नोटिस नहीं कर सकता ना कि इसके ऊपर भी कोई बंदा बैठ सकता है, इसके अंदर भी कोई बंदा होगा। तो ये वाला ट्रिक भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसे इस्तेमाल जरूर करना, और मैं तो बोलता हूँ अभी जाकर ट्राई करो इस वाले ट्रिक को। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए आ जाना तुम लोग को। सबसे पहले बीमा शक्ति के ऊपर ए वाली कार्ड पड़ी होती है ना, यहाँ पे आ जाना। देन तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को लेना है और इसके अंदर कुछ ऐसे अपने लॉन्च पैड को करना है। देन तुम लोग एक बार लॉन्च पैड पे टैप करना है, देन तुम लोग को फिर से इसको हटाना है कुछ ऐसे और टैप टैप करते रहना है। इसका ट्रिक मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में, तो जाकर तुम लोग देख सकते हो। और जैसे कुछ ऐसे हो जाता है ना तुम्हारा लॉन्च पैड, तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है और तुम लोग जैसे उतरोगे यहाँ पे ना, मतलब लॉन्च पैड से लीव करोगे, तुम लोग देखिए पर तुम लोग पूरा कार के अंदर आ चुके हो। और यहाँ पे बैठने के बाद लग रहा है ऐसा ना कि मैं कार को मतलब कार को चला रहा हूँ और शीशे के अंदर से सारे बंदों को देख रहा हूँ। और हाँ, एक बात, यहाँ से तुम लोग बंदों को मार नहीं सकते हो, ये बात याद रखना। तुम लोग यहाँ से गोलियां बाहर वाले बंदों को नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे आने को तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर पाओगे और यहाँ से तुम लोग सारे बंदों को भी देख सकते हो। और यहाँ से निकलना भी काफी ईजी है, अगर तुम्हारा लॉन्च पैड चला जाएगा तब भी तुम लोग यहाँ से बहुत ही आराम से निकल पाओगे। और ये वाला बग काफी मस्त है, यहाँ पे आने को तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा और बहुत ही आराम से तुम लोग यहाँ पे रैंक पुश कर सकते हो अपना। और अगर तुम लोग अपने इस वाले ट्रिक को अपने फ्रेंड के साथ करते हो तो पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही खतरनाक ट्रिक है। तो इस वाले ट्रिक को जरूर एक बार ट्राई करना, क्योंकि ये वाले ट्रिक ना काफी ज्यादा अच्छी और इस वाले ट्रिक के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। तो अब अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को आ जाना इस टाइप के किसी भी घर पे, जो कि अपना पीक का बड़ा सा घर होता, मतलब जो पहले होता था, आई एम सॉरी गाइस, तुम लोग इस वाले मतलब घर पे इस टाइप के किसी भी घर पे आ जाना। देन तुम लोग को मिल लॉन्च पैड को लेना है और लगाना है अपने मिल लॉन्च पैड को यहाँ पे कुछ ऐसे, जैसे मैं तुम लोग को बता चुका हूँ लगाने का तरीका। और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाता है तुम लोग को ऊपर चढ़ना है, देन तुम लोग को लीव कर देना है। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग इस सीढ़ियों के अंदर आ चुके हो और यहाँ पे लिटरली ना तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और अगर अपना लास्ट वाला जो यहीं पे बन जाता है तो तुम लोग बहुत यहाँ से अपना रैंक पुश कर सकते हो। और हाँ, यहाँ से तुम लोग बंदों को मार सकते हो अगर कोई बंदा ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। और लास्ट जोन में काफी ज्यादा ऐसा होता है ना कि ऐसे घर पे ना बंदे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और कैंप करने की कोशिश करते हैं, और जैसे भी बंदा आएगा ना तुम लोग यहाँ से उसे बहुत ही आराम से मार पाओगे और तुम्हें देख भी नहीं पाएगा, लेकिन तुम लोग यहाँ से सारे बंदों को देख पाओगे। और ये वाला ट्रिक ना काफी ज्यादा अमेजिंग है, इसको ट्राई करना जरूर बनता है, एक बार इसे ट्राई करना। और हाँ, अगर तुम लोग को अभी तक ये वाली वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। तो अपने अगले वाले बग को करने के लिए तुम लोग को अचानक मिल पे, और मिल आने के बाद तुम लोग इस वाले ट्रक के पास आना और तुम्हारे पास एक मिनी लॉन्च पैड होना चाहिए, तुम लोग ये बात याद रखना। देन तुम लोग अपने मिनी लॉन्च पैड को ट्रक के अंदर कुछ ऐसे करना है, देन तुम लोग अपने लॉन्च पैड को लगाना है कुछ ऐसे। जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाता है तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, और जैसे तुम लोग लॉन्च पैड के ऊपर चढ़ोगे ना लिटरली तुम लोग पूरा ट्रक के अंदर आ जाओगे। और यहाँ से लॉन्च होते हो और तुम लोग लीव करते हो तो भी तुम लोग ट्रक के अंदर ही घिरोगे, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से रैंक पुश कर सकते हो। और तुम लोग तो पता ही है कि अपने लास्ट जोन में मिल पर कितने ही बंदे आते हैं, या शुरू शुरू में अपने मिल पर कितने ही बंदे आते हैं, तो यहाँ से तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक कर सकते हो। और थोड़ा बहुत तुम लोग इधर उधर करोगे ना नीचे ऊपर तो तुम लोग एकदम जमीन के नीचे आ जाओगे कुछ ऐसे, और जैसे तुम लोग जमीन के नीचे आ जाओगे यहाँ से भी तुम लोग अपना रैंक पुश कर सकते हो बहुत ही आराम से। लेकिन आगे मत जाना, तुम लोग यहाँ से इलिमिनेट भी हो सकते हो, तो आगे पीछे कहीं नहीं जाना तुम लोग को, यहाँ पे आगे तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर पाओगे। तो इस वाले ट्रिक को भी जरूर ट्राई करना तुम लोग एक बार। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में, देन तुम लोग को चले जाना है ग्रेनेड वाले सेक्शन में। और हाँ, तुम लोग को वुकोंग कैरेक्टर लेके आना है, ये बात याद रखनी है तुम लोग को। और जैसे तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो तुम लोग ध्यान से भी देखना क्या करना है। सबसे पहले तुम लोग को ग्रेनेड के बटन पर क्लिक करना है और देन तुम लोग को वुकोंग के बटन पर क्लिक करना, दोनों को साथ ही करना है। उसके बाद तुम लोग कुछ ऐसे बन जाओगे और यहाँ तुम लोग वुकोंग बन के अपने नेट को फेंक सकते हो कुछ ऐसे, मतलब देखने में ये वाला बग काफी ज्यादा अमेजिंग और खतरनाक लग रहा है। तो इस वाले बग को एक बार जरूर ट्राई करना तुम लोग, और काफी मस्त भी है और तुम अपने फ्रेंड के साथ भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे टीममेट वाला बग देखेंगे तो पूरा पगला ही जाएंगे कि क्या ही खतरनाक बग, तो इसे भी जरूर एक बार ट्राई करना, तुम लोग को काफी मजा आने वाला है इसको करने में।
तो अपने लास्ट वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को लेना अपना ओरियन कैरेक्टर जो कि अपना लाल वाला होता है, उसको लेके आ जाना तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में। और जैसे तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाओ ना, तुम लोग को किसी को मारना नहीं है। सबसे पहले तुम लोग को बंदों के पास जाना और अपने ओरियन कैरेक्टर को ऐसे चालू करके अपने डाटा को ऑफ कर देना है। और जैसे तुम लोग अपने डाटा को ऑफ कर दोगे ना, तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसे गायब ही नहीं होगा। तुम लोग देख ही पा रहे हो, मतलब पहले वाला कैरेक्टर गायब हो जाता था लेकिन अभी गायब ही नहीं हो रहा है। मतलब तुम लोग को पूरा ओरियन कैरेक्टर हमेशा देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे तुम लोग एक लाइन भी दिख रही होगी जो कि एनिमी को टच करते हुए आ रही है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। तुम लोग देख सकते हो ये वाला बग ना काफी ज्यादा अमेजिंग और लिटरली न्यू बग है। इसको ना तुम लोगों को किसी यूट्यूबर या किसी ट्रिक्स बताने वाले ने नहीं बताया होगा, सबसे पहले मैं ही बता रहा हूँ। तो इस वाले बग को भी जरूर ट्राई करना तुम लोग, क्योंकि ये वाला बग ना काफी ज्यादा यूनिक और खतरनाक है। अगर तुम लोग अपने टीममेट अपने दोस्तों के इस वाले बग के बारे में बता दो तो पूरा शौक ही हो जाएंगे ना कि ऐसे भी कुछ हो सकते हैं अपने गेम में। तो इसे जरूर ट्राई करना तुम लोग। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर भी कर दो तो अपने फ्री फायर खेलने वाले दोस्तों के साथ। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था। तो वीडियो खत्म, भाग यहाँ से।